चले बढ़ते आगे। एक दिन के अचानक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस में थे और रूसी राष्ट्रपति के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोची में पुतिन से मुलाकात की। सवाल है कि जब भारत अमेरिका दोस्ती मजबूती की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में नरेंद्र मोदी का पिछले महीने अचानक चीन जाना और अब रूस क्या कहता है? जब रूस और भारत की दोस्ती सबसे पेचीदा दौर में है तो रूस के सोची शहर में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक मुलाकात क्या कहती है? रशिया भारत का एक बहुत ही पुराना मित्र और राष्ट्रपति पुतिन भारत के मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र और सभी मीडिया के बंधु, मेरे लिए खुशी है कि आज मुझे राष्ट्रपति पुतिन के मेहमान बनने का अवसर मिला, वो भी सोची में। मैं शायद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसको सोची आने का अवसर मिला है। सवाल है कि रूस भारत का सबसे पुराना साझेदार है, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका से भारत की करीबी ने कूटनीति का गणित बिगाड़ दिया। फिर भी नरेंद्र मोदी का अचानक 30 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना हो या फिर अब पुतिन से, कुछ न कुछ तो है जो चल रहा है। अचानक रूस दौरा क्यों? क्या रूस से हथियारों का सौदा और सप्लाई जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री ने यात्रा की? क्या रूस पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया? क्या दक्षिण एशिया में रूस की बदलती प्राथमिकता के मद्देनजर ये दौरा महत्वपूर्ण है जिसमें रूस पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है? वैसे इस वक्त अमेरिका और रूस के रिश्ते बुरे दौर में हैं। भारत किसी महाशक्ति को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए समझदारी यही है कि अमेरिका रूस और चीन के साथ अच्छे रिश्ते हों, जिसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।